हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की दुआ से हम भी सब ठीक है। तो आज है संडे, संडे है, बच्चों के घर में छुट्टी होती है, तो कुछ स्पेशल भी चाहिए होता है उन्हें। तो उनके लिए दिन भर सिर्फ पकाओ, उनको खिलाओ, उनकी खिदमतें करो, इसी में पूरा दिन ख़त्म हो जाता है मेरा। तो आज मैंने कुछ डेजर्ट स्पेशल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अभी देखिए रमज़ान भी काफ़ी करीब है, तो रमज़ान भी अभी थोड़े ही दिन बचे हैं रमज़ान आने के लिए। तो मैंने सोची चलिए रमज़ान भी आने वाला है, तो फटाफट से हम लोग रमज़ान के पहले ही मैं आपको रमज़ान स्पेशल चीज़ें बता देती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक डेजर्ट, जो आप लोग हमेशा बाहर भी खाते होंगे या आप लोग घर में खरीद कर लाकर घर पे भी बनाकर खाते होंगे। तो वो डिश ये है, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरा मलाई फालूदा। तो मलाई फालूदा यानी सॉरी रबड़ी मलाई फालूदा मैं बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं आपको वो डिश मैं घर में ही सेवई बनाने बताऊंगी कि हम लोग होममेड सेवई कैसे बनाएंगे फालूदे की। देखो कभी कभी हम लोग रमज़ान में फालूदा रेडीमेड भी बाहर से मिलता है, पैकेट में आता है, हम लोग दूध में उबाल के उसे पका लेते तो मैं आज वैसा नहीं बनाऊंगी। और आप लोग ऐसे ही नॉर्मल सा फालूदा भी खरीद के ला दो जिसमें सब्जा सेवई सब मिक्स आते हैं, खाली दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के हम बनाते। तो आज मैं वही सेवई घर में बनाने बताऊँगी आप लोगों को, एकदम सिंपल तरीका है। आप लोग सारी डिटेल्स इसे देखना, और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को हमेशा हमारी तरफ से अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड होकर मिले और नोटिफिकेशन आप लोगों को आए। और एक बात, तो यही डिश मैं आज बनाने वाली हूँ मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है, तो उनके फरमाइश पर मैं ये बनाने जा रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पाव की रबड़ी हम लोग कैसे बनाएंगे। रबड़ी भी बहुत तरह की आप लोगों ने खाए होंगे, पर मैं मेरे स्टाइल की रबड़ी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग इसे भी ज़रूर ट्राई करना। देखिए आई नो कि ये जो फालूदा मैं बता रही हूँ कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते, आधा घंटे में आप लोग ये डिश तैयार कर सकते हैं। तो रमज़ान में आप चाहे तो सुबह से इसे बना के भी रख सकते हैं फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होगी। और जो सेवई है आप लोग पानी भरकर इसे 2-3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, पर 2-3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि सेवइयाँ सूख जाएगी। तो चलिए फटाफट नोटिस कीजिए मेरी इन्ग्रीडियंट्स में क्या क्या यूज़ करूँगी फालूदे में। और एक बात, ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत ही मज़े की डिश बताने जा रही हूँ आप लोगों को, फालूदे की मेरी रेसिपी है, तो आप लोगों को अच्छी भी लगेगी। आप लोग कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी वगैरह हो, तो आप लोग इसे बनाकर अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारी फालूदे की रेसिपी। मैं बनाने वाली हूँ आज रबड़ी मलाई फालूदा। तो मैं रबड़ी फालूदे के लिए इस बर्तन में दूध ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैंने देखिए दूध हंडी गर्म हो चुकी थी, मैंने दूध डाल दियो। अभी दूध को मैंने आधा लीटर ले ली हूँ, तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध ले ली हूँ। तो आधा लीटर को मैं पका पका के एकदम कम कर दूंगी, क्योंकि रबड़ी बनाना है तो दूध कम होना चाहिए। तो अभी मैंने फास्ट फ्लेम पे इसे रख दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे देखिए आधा लीटर दूध ली थी, दूध कम होते होते आ रहा है, मैं इसे पकने के लिए और छोड़ दूंगी और इसे मैं कम कर दूंगी दूध को। यहाँ पर देखिए दूध पूरी तरह से कम हो चुका है, तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँ तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए ये ब्रेड को मैंने इस तरह से तोड़ के रखी थी, ये ब्रेड को मैं डाल दूंगी अभी इसमें। ब्रेड को हमें इसमें डाल देना है और इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी देखिए मलाई ब्रेड रबड़ी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल कर साइड में रख देंगे। मैंने 1 कप भर के कॉर्नफ्लावर डाल दियो और मैं 2 कप पानी डाल के इसको ऐसा पतला कर दूंगी। मैं होममेड फालूदे की सेवई बताने आप लोगों को बता रही हूँ, तो यही मेरी रेसिपी है। मैं कॉर्नफ्लावर को देखो इस तरह से गोला बना दी, उसको घोल कर अभी हम लोग इसे घोल से हमें मिला देना, कोई लम्ब समय नहीं रहना चाहिए इसमें। तो अभी मैं
एक पैन ले लूँगी और पैन को गर्म करूँगी और इसको इसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ये कढ़ाई ले ली हूँ, तो अभी मैं इसमें ही अपना कॉर्नफ्लावर का बैटर डाल के इसे चलाते रहूँगी फास्ट फास्ट। तो अभी हमने देखिए इसमें हमारा कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ मैं। अभी हमें अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर को कंसिस्टेंटली पकाते रहना है। ये दूध बहुत कम हो चुका है, अभी हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। मैं थोड़ा फ्लेम को फास्ट कर दूँगी और मैं इसमें मलाई रबड़ी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा ब्रेड ऐड करूँगी। इससे क्या है, ब्रेड हम ऐड कर देंगे तो ये जल्दी जल्दी से सूख कर एक अच्छी तरह से मलाई रबड़ी बन जाएगा। तो मैं अभी इसमें ना थोड़ा रबड़ी मीठी होती है, तो रबड़ी मीठी होती है तो मैं इसमें ना मेरी पाउडर शुगर 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ ताकि थोड़ा रबड़ी मीठी रहे। अभी हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए मेरा कॉर्नफ्लावर भी मैं चला रही हूँ, हमको इस तरह से इसे चलाते रहना जब तक ये पूरा सूख कर एक लेप की तरह ना बन जाए। इसी कंसिस्टेंसली आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसे स्टर कर रहे हैं। देखिए ये इस तरह से सेवई के लिए ऐसा लेप तैयार हो रहा है हमारा। तो देखिए आप लोग ये बराबर से बन चुका है, तो अभी मैं इसे निकाल लूँगी। हम लोग इस सांचे में जो सेवई बनाने वाले कॉर्नफ्लावर का बैटर रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसमें फिल कर देंगे इस सांचे में और फिर हम इसे गोल गोल घुमा घुमा कर इसकी सेवइयाँ निकाल लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पकड़ो 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 पकड़ो, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए ठंडा पानी बर्फ़ का ले लियो और इसमें देखिए इस तरह से हमें अपनी सेवइयाँ को इस ठंडे से पानी में डाल देना है, तभी वो सेवइयाँ अच्छी तरह से ठंडे पानी की वजह से अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए हम लोगों ने पूरा फिल कर दिया इसको ठंडे पानी में, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो में थोड़ा अगर ब्लर आ रहा रहेगा तो इसके लिए सॉरी कहती हूँ मैं, आप लोग से माजरत चाहती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इस तरह से मेरी सेवइयाँ होममेड सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। तो ये सेवई मैंने फालूदे के लिए बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्स्चर, पूरी सेवइयाँ बनी है हमारी फालूदे की। पर देखिए सेवइयाँ इस तरह से रेडी हो चुकी है, आई होप आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और देखिए मैंने होममेड सेवई बनाई हूँ, बहुत माशाल्लाह प्यारी लगी है ये। इसमें बची हुई सेवइयाँ के बैटर में हम लोग ने फूड कलर डाल दिए रेड वाला, तो मैं रेड वाली सेवइयाँ भी बनाने बता रही हूँ आप लोगों को। अब ये जो फीलिंग है हम लोग इसी सांचे में डाल देंगे और फिर से उसी तरह से सेवइयाँ निकालेंगे। और आप लोग देख सकते हैं लाल कलर की सेवइयाँ भी हम लोग इसे निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह से निकाल रहे हैं हम लोग सेवइयाँ सब। तो अभी ये रेड कलर की भी बन चुकी है, पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने व्हाइट सेवई बनाई हूँ, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर की सेवई भी बना दी हूँ। मैंने रेड फूड कलर डाली थी बट ये ऐसी ऑरेंज कलर की बन चुकी है। और इधर पे देखिए मेरी रबड़ी, मज़ेदार रबड़ी मीठी मीठी सी तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने सब्जा भी भिगा कर रखी हूँ और यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की बॉटल भी रेडी है। तो चलिए फटाफट रेसिपी देखिए, फालू देखिए। ये व्हाइट सेवई मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इसी के साथ साथ मैं मेरी ऑरेंज सेवइयाँ भी इसमें डाल रही हूँ। फिर इसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के सब्जा, इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा रूह अफ़ज़ा, और इसी के साथ हम अभी इसके ऊपर ऐड करेंगे रबड़ी। तो रबड़ी में यहाँ पर देखो 2 चम्मच ऐड करूँगी क्योंकि भाई रबड़ी फालूदा है तो रबड़ी तो बनती है। और इसी के साथ साथ मैं ऐड करूँगी मेरा आइसक्रीम। तो मैं ऊपर से भी थोड़ा रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग इसे देखिए, ये मेरी रमज़ान की स्पेशल होममेड फालूदा रेसिपी है। आप लोग अगर कभी चाहिए तो पूरे रमज़ान में एक बार ये फालूदे को ज़रूर ट्राई करना, और ये बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह। देखिए आप लोग इसका कलर टेक्सचर देखिए, ये सारा होममेड फालूदा मैंने बनाई हूँ। आपके पास टाइम रहेगा तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अभी यहाँ पर देखिए सब राशन आया है मेरा, तो रमज़ान का राशन आया है तो मैं सब चेक करते हुए बैठी हूँ इधर पे।
तो ये देखिए ये सब राशन लेकर आई हूँ मैं अभी किराने दुकान से। तो अभी सब उठा के समेट रही हूँ मैं, बहुत काम है, अभी रमज़ान है तो बहुत बिजी चल रही हूँ मैं। देखिए लजीज होममेड फालूदा मेरा रेडी हो चुका है, तो आप लोग इसे बनाइएगा। और इस फालूदे के रेसिपी के लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए फालूदे की रेसिपी देखिए और जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और ये रमज़ान स्पेशल बनाई हूँ मैंने, अभी रमज़ान शुरू होने में सिर्फ थोड़ा ही दिन बचा है, तो इसके लिए ये रेसिपी डाल रही हूँ, आप लोग इसे देखिए और इंशाल्लाह रमज़ान में एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए जल्द मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।